आज मैं आपको एनाकोंडा प्रजाति के दो ऐसे सांपों के बारे में बताऊंगा जो एनाकोंडा प्रजाति में पाए गए सभी सांपों में सबसे बड़े सांपों में शामिल है। ये बात 1959 की है जब एक हेलीकॉप्टर पायलट अपना हेलीकॉप्टर जंगल के ऊपर से उड़ा रहा था, तब उसने एक ऐसा सांप देखा जिसकी लंबाई देखकर वह हैरान रह गया। वह पायलट उस सांप की कुछ पिक्चर लेने के लिए उस हेलीकॉप्टर को थोड़ी कम ऊंचाई पर उस सांप की तरफ उड़ाने लगा, लेकिन उस सांप की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि उस सांप ने उस हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर दिया। लेकिन फिर भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद एक दूसरे शख्स ने कुछ पिक्चर्स ले ली थी। इसके अलावा एक सांप ब्राजील में जब कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बिल्डिंग को गिराया गया तो उस बिल्डिंग का मलबा अपने आप हिलने लगा, तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने वहाँ उस मलबे के अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि बहुत बड़ा एनाकोंडा उस मलबे के अंदर दब गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।